पूजा मिश्रा जो है कई महीनों से बहुत कुछ कह रही है हम सबके बारे में, स्काई वॉकर मी पूजा बेदी एंड टिमी नारंग. जैसे कि सब जानते हैं रूटीनली आई थिंक 6 साल से प्रेस में वो टिमी नारंग के पीछे सॉर्ट ऑफ पड़ी है. बहुत सारे आरोप उन्होंने टिमी के ऊपर लगाए हैं, ईशा कोपिकर के ऊपर लगाए हैं. जैसे कि उन्होंने आरोप लगाया है कि टिमी ने स्काई और मुझे पैसे दिए हैं उनको डिफेम करने के लिए. उन्होंने ये भी कहा है कि टिमी और हम सब तांत्रिक जादू करते हैं उसके ऊपर, और ये तांत्रिक जो है उसके ऊपर ऐसे जादू करते हैं कि उनको खुद टिमी नारंग के बारे में सोच सोच के अपने आप को टच करती है और सुबह उठ के ड्रेन्ड हो जाती है. और फिर कहती है कि हमने उनके घर में कैमराज लगाए हैं, उनको भागना है अभी अपने घर से. फिर वो कहती है कि उनके फ़ोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है ताकि उनकी कॉल्स को हम उनकी कॉल सुनते हैं, उसका काम छीन लेते हैं. ये कहती है कि ऐसे मीन्स आरोप लगाते हैं जो समझ में नहीं आता. गालियां भी दी, स्मगलर का कुछ बोला है, कहा है कि फिर स्काई के बारे में कहा कि उन्होंने उनको एक लव बाइट दिया है जिसका कोई सबूत नहीं है. आई मीन एक बिग बॉस के शो में आप सोचिए 55 कैमराज हैं, 24 घंटे रोलिंग है, 200 से ज़्यादा यूनिट लोग वहाँ पे है, उसके पीछे कंटेस्टेंट्स हैं. और वो कह रहे कि स्काई ने उनको लव बाइट दे दिया रात के टाइम. तो अगर जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि आप कैसे कह सकते हो कि स्काई ने दिया, उन्होंने कहा वेल सिड हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 25 साल का बच्चा है, जैसे कि 25 साल का लड़का कभी लव बाइट देता नहीं है. और अमर नहीं हो सकता क्योंकि वो शादीशुदा है, तो इट कैन नॉट बी हिम. शादीशुदा आदमी तो दूसरे लड़के को लव बाइट देते नहीं है, तो स्काई ही होगा. बार बार हर चैनल पर, हर रेडियो स्टेशन पर या मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में हम तीनों के बारे में ये सब कहना बिल्कुल गलत है, हमें मंजूर नहीं है. और हमने एक क्रिमिनल नोटिस जो है इशू किया है क्योंकि डेफेमेशन ऑफ पब्लिक सेलिब्रिटीज इज कवर्ड अंडर द डेफेमेशन एक्ट. हमारे लॉयर आपसे कहेंगे कि कौन से पिनल कोड्स के अंदर ये आते हैं. हम लोग ने सेक्शन 499 जो डेफेमेशन से डील करता है वो लगाया है. सेक्शन 499 से लेके 500, 502 क्रिमिनल इंटिमिडेशन से डील करता है वो भी लगाया है. फिर उसके बाद में जो सेक्शंस पनिशमेंट के हैं वो भी डाला है. हम लोग ने वो कोड किया हुआ है, 509 तक लगाया हम लोगों ने, 500, 504, 506, 509. एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन कमाया है अपने आप के लिए. और मैं नहीं चाहती कि कोई सम लिटिल पिप ऑफ अ गर्ल टर्न्स अराउंड एंड सेज दिस रिडिकुलस थिंग्स अबाउट मी. इट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल. सकती है या तो आप मेंटली इनस्टेबल हो इसलिए आपने ऐसे आरोप लगाए हैं जो बिल्कुल अनसब्सटैंशिएटेड है, या तो आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो. तो अगर आप मेंटली अनस्टेबल हो तो फिर आप प्लीज़ एक सर्टिफिकेट लेके आइए कि आप मेंटली अनस्टेबल हो, इसलिए आपने ऐसे भलती सीधी आरोप लगाए हैं हमारे ऊपर जो बिल्कुल अनसब्सटैंशिएटेड है, रिडिकुलस है, बिज़ार है. या तो आप अगर आपने पब्लिसिटी के लिए किया तो पब्लिक अपॉलॉजी दीजिए, क्योंकि जिस मीडिया के सामने आपने हमें हमारे ऊपर ये सब आरोप आपने थोपे हैं वही मीडिया के सामने आप अपोलोजाइज कीजिए. जिन सारे न्यूज़पेपर्स में आपने ये सब एलिगेशंस छपाए हैं वही न्यूज़पेपर्स के अंदर आप अपना अपोलोजी छापिए, ताकि वही रीडरशिप, वही व्यूअरशिप देख के जाने कि आपने ऐसे आरोप डाले हैं हमारे ऊपर जो बिल्कुल गलत है. एंड अगर वो ये सब ना करें तो फिर वी विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड इन द कोर्ट्स, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू सीक जस्टिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.